लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने एक बार फिर अवैध कच्ची शराब के जखीरे के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस अधीक्षक विजय ढूल के दिशा निर्देशन में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के चलते निघासन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर निघासन पुलिस ने जंगल नंबर 2 के सरयू नदी के किनारे से अवैध कच्ची शराब बना रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चीन के पास से करीब 2000 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर नष्ट किया गया। वहीं 550 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है। वहीं पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने अपना नाम शिवम पुत्र शिव कुमार निवासी उल्फत पुरवा बघा थाना मोतीपुर जनपद बहराइच, प्रदीप कुमार पुत्र राम नारायण निवासी बरसोला कला थाना तिकुनिया जनपद खीरी बताया है। वहीं उनके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वहीं एक फोर व्हीलर भी पुलिस ने बरामद की है, जिससे बनाई जा रही कच्ची शराब को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। वहीं पकड़े गए दोनों अभियुक्तों पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। दो व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम शिवम और प्रदीप है, और इनके पास से जहां पर ये अवैध कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे थे 550 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 2000 लीटर लहन, जिसको कि पुलिस टीम के द्वारा नष्ट किया गया, और एक कोरोला गाड़ी जिसका इस्तेमाल ये इस शराब को परिवहन करने के लिए करने वाले थे, ये सब पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में थाना निघासन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।